शाहरुख खान एक बार फिर से बड़े पर्दे पर करने जा रहे हैं वापसी आप सभी को एंटरटेन करने के लिए। वहीं उनकी कुछ पिछली दो फिल्में हेलीमेट सेजन और जीरो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। शाहरुख खान को ये बात रास नहीं आए कि उनके फैंस उनकी फिल्मों को पसंद नहीं कर रहे हैं, फिल्मों की कहानी अच्छी नहीं हो पा रही है और अपने सभी दोस्तों को अपने सभी फैंस को इम्प्रेस करने की वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हाल में एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ ये सामने आ जाए और सभी को एंटरटेन कर दे। और लगता है कि उनके हाथ में फाइनली एक आ चुका है अब प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है धूम 4 जिसमें विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं आप सभी को शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान की फिल्म धूम 4 की बात तो सालों से चल रही है लेकिन अब इस बात को लेकर पूरी तरह से कंफर्मेशन कुछ यूं मिल रही है कि इस फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर इस फिल्म को बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फिल्म की कहानी पर वो बात करते हुए भी नजर आ चुके हैं। हाल ही में ट्विटर पर उन्होंने जानकारी दी थी एक ट्वीट कर कि उनकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है। इस एक्साइटिंग स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए वो काफी ज्यादा बेताब है जिसकी तरफ पूरी तरह से उंगली पहुंच गई थी या तो टाइगर 3 या तो धूम 4 पर। अब टाइगर 3 इतनी जल्द तो बन नहीं सकती है क्योंकि उसकी स्क्रिप्टिंग में बहुत टाइम लगने वाला है जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई लेकिन सालों से तैयारी की जा रही है धूम 4 को लेकर और ऐसे में शाहरुख खान को लेकर भी इस फिल्म में विलन बनने की पूरी तरह से बातें उठ रही थी जिसमें अब पूरी तरह से कंफर्म ये किया जा रहा है सोर्सेस की ओर से कि आप सभी को एंटरटेन करने के लिए शाहरुख खान आने जा रहे हैं धूम 4 के साथ विलन के किरदार में। देखा जाए तो अली अब्बास जफर इससे पहले काफी फिल्मों को बना चुके हैं जैसे कि एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और न जाने कितनी फिल्में और ऐसे में ये सभी फिल्में करोड़ों को पार करती हुई सामने आई है। अब शाहरुख खान के साथ जब आएंगे अली अब्बास जफर और उनको विलन बनाएंगे तो भाई धूम 4 की सीरीज जो अभी तक पसंद की जा रही है तो ऐसे में ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट होने की पूरी तरह से उम्मीद की जा रही है। वेल, देखना होगा कि अली अब्बास जफर और धूम की ये सक्सेस शाहरुख खान को कितना आगे लेकर जा पाती है या फिर देखना ये होगा कि शाहरुख खान का बैड लक इन दोनों के लिए ही पूरी तरह से फ्लॉप होता हुआ सामने आता है। आने वाले वक्त में नजर आएगा धूम 4 को लेकर और भी काफी कुछ जिसकी जानकारी हम आप सभी के सामने लेकर आते रहेंगे। वह अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।